हाय फ्रेंड, व्हाट्सअप, कैसे हो सब? सॉरी यार, काफ़ी दिन, 2 4 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए वेरी सॉरी। आज से मैं वीडियो डालूंगा, रोज़ हो सके तो 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, साथ के साथ टाइम एंड वर्क भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर कर लें। सेकेंड थिंग, थैंक यू गाइज, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप शेयर भी कर रहे हैं, और जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं फटाफट, और फिर आज से ही मैं टाइम एंड वर्क भी डालूंगा। और मैंने आप सबको बताया था कि मेरा फेसबुक पेज भी है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से, जो पेज है उस पर मैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके की ट्रिक्स डालता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी फेसबुक पर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अ डिसोनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट इट्स सीपी। जो एक डिसोनेस्ट शॉपकीपर है, एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने सामान को किस पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन करता कि मैंने जितने का खरीदा है मैं उतने का ही उसे बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, ही यूज 30% लेस वेट, लेकिन वो उसकी जगह 30% लेस वेट का इस्तेमाल करता है। मतलब हर किसी भी चीज़ की, अगर मतलब 2 किलो का है तो उस पर 30% वेट कम दे रहा है, 2 किलो की चीज़ कितने की दे रहा है, 30% कम से दे रहा है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसने खरीदा 100 ग्राम। मान लो क्वेश्चन नंबर 26 कि वो 1000 ग्राम खरीद रहा है, ठीक है, 1000 ग्राम खरीद रहा है, 1000 ग्राम खरीदने के पर वो कितना ही से, बट ही 30% लेस वेट, वो 1000 ग्राम पे 30%, 1000 का 30% कितना होता है, 300, ठीक है, तो 1000 में 300, मतलब वो बोलता है कि मैं 700 का सीपी कॉस्ट प्राइस जो है मैं उसी पर क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ सामान, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 30%, वो बोल रहा है मैंने 1000 रुपये का खरीदा, लेकिन मैं बेच कितने का रहा हूँ, 1000 का, जितने का खरीदा उतने का ही मैं बेच रहा हूँ, लेकिन वो 30% का यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट को कम कर दे रहा है, तो 1000 का 30% कितना होता है, 300, तो 1000 में से 300 जाके कितना बचा, 700, ये हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो दावा करता है कि मैं जितने का खरीदा है मैं उतने का ही बेच रहा हूँ, मतलब उसने 1000 का खरीदा तो 1000 का ही वो बेच रहा है, ठीक है, तो 1000 से कॉस्ट प्राइस और एसपी में डिफरेंस कितने का है, 300 का, तो उसे 300 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसे 300 का प्रॉफिट हुआ ना, किस पे, 700 पे, हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हम हमेशा निकालते हैं सीपी पे, तो हमने सीपी आया 700 × 100, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 300/7, मतलब 42 सही, 42 सही, 6/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ डिसोनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट इट्स सीपी। एक डिसोनेस्ट शॉपकीपर है, मतलब बेईमान दुकानदार है, वो बोलता है कि मैं जितने का सामान जितने पे खरीदा है उतने का ही मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ही यूजेज 960 ग्राम वेट, वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम वेट का यूज करता है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सेम क्वेश्चन जैसे हमने किया था, अभी इसमें परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर वो 1000 ग्राम खरीदता है तो वो क्या करता है, वो 960 ग्राम बेचता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितने का बेचता है, 960 ग्राम, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने 1000 खरीदा और 1000 ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो 1000 ग्राम पे 960 ग्राम वेट का यूज करता है, लेकिन क्या वो कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं जो सीपी पे मैं खरीद रहा हूँ उसी पे मैं बेच रहा हूँ, अगर बोल रहा है कि मैं अगर 1000 रुपये में खरीदा है तो मैं उसे 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मुनाफा हो रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुनाफा तो कमा रहा है ना, लेकिन वो कमा कहाँ रहा है, जो उसने वेट कम किया है, जो उसने वेट क्या किया है, कम किया है, वो उस पे वो अपना मुनाफा कमा रहा है, ठीक है, उसने अपना वेट कम कहाँ किया, यहाँ पे, क्योंकि 1000 की जगह 960, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का, 40 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 960 पे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ये सीपी हुआ, ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ, क्योंकि उसे कॉस्ट प्राइस का तो इतने का ही पड़ा ना हो, क्योंकि 1000 का लिया था लेकिन बेच तो इतने का रहा है, × 100, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 100/24, फ्रैक्शंस कितनी आ गई, फ्रैक्शन आ गई 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। क्वेश्चन नंबर आता है 28। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड एट 44% लॉस।
वो बोल रहा है कि एक दुकानदार बोलता है कि मैं 44% किस पे लॉस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ। अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड्स एट 40% लॉस, ही यूज 30% लेस वेट। वो बोल रहा है कि मैं जो सामान हूँ अगर 1,000 का ले रहा हूँ उस पर मैं 44% का क्या हो रही है, मेरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और वो लेकिन वो क्या करता है, वो बेईमान है, 30% वेट कम कर देता है। तो उसका हमें निकालना है कि टोटल उसे लॉस कितना हुआ, क्या उसे सच में 44% का लॉस हुआ या फिर उसे कम का लॉस हुआ। भाई अब मान लो उसने 1,000 ग्राम खरीदा, 30% वो ले वेट क्या कर रहा है, कम कर रहा है 30%, तो 30% कितना हो गया 700, 1,000 का 30% 300, 3,000 में 300 के 700, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब वो 700 रुपये का सामान दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है मैं 44% लॉस पर बेच रहा हूँ, 101,000 का 44% कितना हुआ 440, 1,000 का 44% कितना हो गया 440। तो जब वो 440 का दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। जो उसने मतलब 1,000 का खरीदा 44% के लॉस पे, उसने बेचा कितने का होगा 660 का। भाई 440 का हो गया 1,000 माइनस 440, क्योंकि 1,000 का 40% 440 होता है, 10, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 4 गए 560, सॉरी ये कितने का है 560, ठीक है, ये आ गया 560 का। तो 1,700 और 560 का डिफरेंस, 1,700 और 560 का डिफरेंस, जो 700 और 560 का डिफरेंस जो होगा वो हो गया 140। तो 140 का डिफरेंस किस पे 700 पे इंटू 100, ये सारे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हुआ उसे 140 का, किस पे 700 पे इंटू 1,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 2 जा, तो उसे कितने का लॉस हुआ उसे 2, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है 20%, उसे कितने का लॉस हो रहा है 20%, उसे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है 20% का, ठीक है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार है, वो प्रोमिस करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में 10% प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। वो बोल रहा है कि मैं जो अपना सामान हूँ वो 10%, सिर्फ वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाता। लेकिन वो क्या कर रहा है साथ ही साथ, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है और 20% कम वेट दे रहा है, ठीक है। कितना कम दे रहा है 20%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखो, अब मान लो उसने 29, 1,000 का लिया, ठीक है 1,000 का लिया, कितने का ही यूज 20% लेस वेट, 20% लेस वेट मतलब कितने का दे रहा होगा 800 का, 20% कितना होता है 200, 1,000 का 20% 200, तो कहीं ना कहीं वो कितना वेट बेच रहा है 1,000 की जगह 800, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मैं सिर्फ 10% जो मैं कमाता हूँ इस चीज़ पे, मैं 1,000 की खरीद रहा हूँ और इस पे सिर्फ मेरे को 10% बचता है, तो 1,000 का 10% कितना हो गया 100, तो मतलब वो बोल रहा है कि मैं 1,000 की चीज़ सिर्फ 1,100 में बेचता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो 100 रुपये यहाँ कमा गया और कुछ ना कुछ यहाँ पे भी कमाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने वेट कम कर दिया। तो इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 300, कितने पे 1,100 पे इंटू 100, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट कितना हुआ 300/11, ठीक है। तो ये आ गया 37 से ही 1/2%, 37 से ही 1/2%, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट एक्स परसेंट प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, दस ही गेन 37.5%, फाइंड एक्स। एक दुकानदार है, वो प्रॉमिस करता है कि अपने गुड्स को वो एक्स परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, कितने पे बेचता है एक्स परसेंट प्रॉफिट पे, एक्स परसेंट प्रॉफिट पे, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वो 20% लेस वेट का भी यूज करता है, ठीक है। दस ही गेन 37.5%, और उसे कितने का फायदा होता है 37.5% का उसे फायदा होता है, तो फाइंड एक्स, हमें एक्स निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला, 37 एंड उसे कितने का फायदा होता है 37.5%, ठीक है। 37.5% की फ्रैक्शन हो 3/8, तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11,
ठीक है, क्योंकि उतना उसका गेन हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 8 है, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, मैंने बोला फ्रैक्शंस बनानी तोड़ दो, सीपी 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11, 8 और 3 11, ठीक है, ये और ये इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, हो गया 11। जब सेलिंग प्राइस 11 हो गया तो सबसे पहले वो बोल रहा है शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स इज गुड एट X% प्रॉफिट। X% प्रॉफिट के साथ वो 20% लेस वेट का यूज करता है, ठीक है, 20% लेस का वेट यूज का वेट करता है, तो ठीक है हम कर लेते हैं। 1000 ग्राम लिया उसने, ठीक है, उस पर उसने 20% का वेट कम किया, तो 20% कितना होगा 200, तो 1000 में से 200 जाएगी, कितना बचा 800, ठीक है, जो उसका सेलिंग प्राइस है X% निकालना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं X% पे एट X% प्रॉफिट, X% प्रॉफिट पे कितने का होगा, जितने का हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं 1100 का देता है वो, ठीक है, वो कितने का दे देता है 1100 का, तो 1000 से 1100 का कितने का हो गया, 1000 से 1100 का कितने पे, 10%, ठीक है 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 100,000 पे, तो × 100, तो कितना आया 10%, मैंने बोला था अभी 10% मान लो, तो वो बोल रहा है कि उसका आया 10%, ठीक है, तो SCP और तो 8 का CP कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस आया कितना था 8, तो 8 एक क्या आया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो 800, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आया था 11, एक्स की वैल्यू कितनी आई 100, तो वो कितना हो गया 1100। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट X% लॉस, बट ही यूजेस 20% लेस प्रॉफिट, बट ही यूजेस 20% लेस प्रॉफिट। तो अब हमें निकालना क्या है कि ये बोल रहा है अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट X% लॉस। क्वेश्चन नंबर 31, अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स X% लॉस पर बेचता है, लेकिन वो 20% कम वेट का भी यूज करता है, बट ही गेन 20%। सबसे पहले क्या करता है, ही गेन 20%, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस हो गया 6, ठीक है गाइस, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस हो गया 6। सेकेंड थिंग, अब 1000 की बेच रहा है 1000 ग्राम, तो उस पर वो कितने का कम करता है, ही यूजेस 20% लेस वेट, 20% का मतलब 800 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 800, कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से करेंगे, कॉस्ट प्राइस की कीमत आई 800, जब 5 से कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट, 5 यूनिट है 800, 1 यूनिट कितना आया 5 1 जा 5, ठीक है 5 1 जा 5, और 3 5 6 जा 160, ठीक है 160 आ गया 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना है 160, अब 160 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 6 0 0 6 6 जा 36, 6 1 जा 960, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितने पे बेच रहा है 960, लेकिन वो बोल कितना रहा है कि वो X% लॉस, कि उसे X% का लॉस हुआ, ये किसके बराबर है X% लॉस, ये X% लॉस हुआ उसे, 1000 का बोल रहा है 960 का बेका, तो उसे इतने का लॉस हुआ, ये X% है, तो हुआ कैसे ये निकालना है हमें, लॉस कितने का हुआ उसे -40, 40 का लॉस हुआ है, 40 का लॉस कितने, तो कितना के कितने का लॉस हो गया भाई, 40 का लॉस हो रहा है उसे 1000 पे, तो कितने का हो गया 40 का लॉस 4%, 40 का हो गया भाई, 1000 में से 960 का कैसे निकाला, देखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ से हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने निकाला 20%, उसने फ्रैक्शन दे रखी है 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 800 का, क्योंकि वो 20% कॉस्ट प्राइस बेच कितने का रहा है 800 का आया, क्योंकि 20% कम का वेट भी कर रहा है, तो जो जो ग्राहक ले रहा है, खरीद रहा है सामान, उसे तो वो 800 का पड़ा ना, ठीक है ना, उसे तो सामान का 1000 किलो, पूरा 1000 ग्राम नहीं मिल रहा, मिल रहा कितना है 800, तो CP 5 हमें पता, कॉस्ट प्राइस है कितना 5, तो 1 यूनिट कितने आ गई 1000, तो सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 6 यूनिट हो रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 960, मतलब 1000 की चीज पे उसे 960, तो 1000 पे 960 कितने का हो गया 4%, 1000 पे 960 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 4%, कैसे, कितने का लॉस हुआ ये 40 का, टोटल 40 का यहाँ से 40 का, तो 40/100, ठीक है 40/100, ठीक है, तो ये जब आए निकालेंगे तो ये आ गया 4%, ठीक है। ये आ गया 4%, तो उसे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 4% का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32।
अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल्स हिज गुड एट एक्स परसेंट लॉस। एक शॉपकीपर है वो बोलता है कि मैं एक्स परसेंट लॉस पर बेचता हूँ, लेकिन ही यूजेस 25% लेस वेट। ऐसा ही क्वेश्चन है, जिनके पहले क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन धीरे आसान सर। मान लो कि उसे एक्स परसेंट लॉस होता है, लेकिन बट ही यूजेस 25% लेस वेट, दस गेन 20%, और वो 25% का लेस वेट यूज करता है और उसे 20% का फायदा होता है। दस ही गेंस 20% और ही गेंस 20%। सबसे पहले फ्रैक्शंस कितनी है, ही गेन 20%, ठीक है, 20% की फायदा, तो 20% का फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 5, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 6, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, ठीक है। अब वो बोल रहा है 1000 का मान लो, लेकिन वो किस परसेंट में बेचता है, अशोक के पास प्रोमिस टू सेल इज गुड एक्स परसेंट लॉस, बट ही यूज 25% लेस वेट। 1000 पे 25%, 1000 का 25% कितना होगा, 250, तो मतलब 750, वो 750 ग्राम के कॉस्ट प्राइस पे खरीद रहा है, ठीक है, 1000 नहीं खरीद रहा, 750 खरीद रहा है। लेकिन सेलिंग प्राइस पे क्या बोलता है कि वो सेलिंग प्राइस बोल रहा है वो, तो ये कितना आया, 750 आ गया है, 750 यहाँ पे लिखो, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट 750, एक यूनिट कितना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25, 150, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 900। जब भाई एक यूनिट 150, तो 6 यूनिट 150, 900, मतलब 750 का सामान उसने खरीदा कितने में, 900 का। लॉस कितने का हुआ उसे, लॉस कितने का हुआ पूरा, 100 का, 100 का लॉस हुआ। किस पे लॉस हम निकालते, किस पे है लॉस, और वो हमने बताया सीपी पे, तो लॉस कितने का हुआ, 100 का लॉस हुआ उसे, ठीक है, उसे लॉस कितने हुआ, 100 का भाई, सॉरी, वो लोग कस्टमर को जो बेच रहा है उसे लॉस कितने का हुआ, 100 का हो गया, ठीक है, बस 100, अब 100 का, अब हमें निकालना क्या था, फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स कितना हो गया, 100/1000, 100, तो जो उसका आया ये आ गया 10%, कितना आ गया, 10%, 1000 पे 100 का लॉस। कैसे निकालेंगे, 100/1000 × 100, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, तो कितना आ गया, 10%। ऐसे ये निकाला था, 40/1000 × 100, 3 से 3 कट गई, 4%, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं पहले क्वेश्चन बताना भूल गया था कि कैसे निकाला। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शाम को डालूंगा, टाइम एंड वर्क का। आई होप यू गाइस, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सबको अच्छे से समझ में आया और भी कुछ पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।